नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं जब बुरा दौर आता है तो हर कोई साथ छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी के किरदार सौम्या के साथ भी, जिसकी माँ कोरोना की भेंट चढ़ गई और उस सदमे में उसके पिताजी पैरालाइज हो गए और मजबूरन सौम्या को अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिताजी और घर दोनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी पड़ी। अब वो लोगों को योगा सिखाती है और अपना घर चलाती है। उसे उम्मीद है कि एक दिन उसका ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। और कोई और भी है जो सौम्या की तरह अपने बुरे हालातों से लड़ रहा है और उसका तरीका और रास्ता बिल्कुल अलग है। क्या होगा इन दोनों का अंजाम, आइए देखते हैं। मैं तुम्हारी मेडिसिन लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी आराम से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, काम डाउन। अच्छा वनी था तुम आज टाइम पे उठ गई, वरना हमारा तो सब चला जाता। मैं कल ही पूरे घर में ना सीसीटीवी कैमरा लगवाता हूँ सबसे पहले। जय, मुझे अभी भी डर लग रहा है। अरे क्यों डर रही हो, कोई भी नहीं है, चला गया जो चोर आया था। मैं हूं ना तुम्हारे पास, सारा का सारा डर दूर कर दूंगा तुम्हारा। ठीक है, आप 9:30 बजे तक आ जाइए। जी ओके, बाय। क्या बात है भाई, किसको टाइम दे रही हो, कोई बॉयफ्रेंड बना लिया क्या? जय कुछ भी, अरे मजाक कर रहा हूँ, ये लो कॉफी पकड़ो। योगा टीचर से बात कर रही थी, मैं योगा स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों भाई, ये अचानक से योगा का भूत कैसे चढ़ गया तुम? क्योंकि योगा से बहुत सारे फायदे होते हैं और मेरी एंजाइटी भी दूर हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ तुम भी स्टार्ट कर दो। नहीं नहीं, मैं कहाँ इन सब चक्करों में पड़ूंगा, छोड़ो तुम ही करो। कैसी बनी है कॉफी? सीख गए हो धीरे धीरे, तुम्हारी स्पेशल वाली है। नीता, अरे भाई जल्दी लाओ टिफिन, ऑलरेडी लेट हूँ ऑफिस के लिए मैं आज। बस 2 मिनट में आई। Thank you.
कौन है सुबह सुबह? हाय नीता जी। हाय जी, आप कौन? आप जी, मैं सौम्या, योगा टीचर। नीता जी से बात हुई थी मेरी। हाँ हाँ नीता, तुम्हारी योगा टीचर आई। हाँ आ रही हूँ। हाय मैं नीता। हाय मैं सौम्या। आप चेंज कर लीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। बस एक मिनट, ये लीजिए। आई एम सॉरी आज बहुत लेट हुई। अब आप जल्दी जाइए वरना और लेट हो जाएंगे। हाँ मैं निकलता हूँ। आप आइए मेरे साथ। हेलो। हाँ 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके नीता, मैं ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है ओके बाय। यू कैरी ऑन। क्या हुआ आपको? क्या चाहिए? प्यास लग रही थी, पानी चाहिए। पानी? अब ठीक है बेटा? एक एहसान करेगी मुझ पर, मुझे जहर लाके दे दे। मैं अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहता बेटा। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता बेटा। मैं नहीं जीना चाहता। आप मुझ पर कोई बोझ नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ पापा। मैं आपकी देखभाल कर सकती हूँ। और पता नहीं पापा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है आप अपनी बेटी को अकेले छोड़कर जाओगे तो भगवान आपको माफ करेगा? कभी भी नहीं पापा, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है बेटा। मेरी बच्ची। Thank you.
जय 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 जय। हाँ हाँ क्या हुआ बोलो। मैं कितने देर से आवाज लगा रही हूँ तुम्हें। तुम ठीक तो हो ना? सीसीटीवी का क्या हुआ? हाँ मैंने बोल दिया सीसीटीवी के लिए, कल आ जाएगा लगाने वो। अच्छा नीता मैं क्या बोल रहा था कि क्यों ना मैं भी योगा क्लासेस ज्वाइन कर लूं। क्यों, सुबह तो तुम मना कर रहे थे। एक्चुअली आज जब मैं ऑफिस गया ना तो मैंने देखा कि ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज ना सिर्फ योगा के बारे में बात कर रहे हैं, और वो जो मेरे बॉस है ना मिस्टर गुप्ता वो भी योगा क्लासेस जाते हैं। तो मैंने सोचा भाई मैं भी योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा ना। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ एक काम और, तुम अपनी वो योगा टीचर को बोलना कि वो सुबह एक घंटा पहले आ जाए जिससे वो मुझे भी ट्रेन कर दे। ठीक है बोल दूंगी, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अच्छा बदले में? बदले में मिलेगा तुम्हें बहुत सारा प्यार। पद्मासन में बैठेंगे। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। स्पीड। Now you do 10 minutes. Okay. क्या चीज़ जी? आप ये भी ठीक से नहीं कर पा रहे। पहले तो आप सीधा बैठिए। Now look straight. Good. Now you take a long breath. गाइस, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल। सो कैसा रहा हमारा आज का सेशन? आपका तो काफी अच्छा था, बट जय जी को ना बहुत मेहनत करनी है। हाँ मैं करूंगा। एक मिनट अजय, मैं बात करके आती हूँ, तुम मैट्स ले लेना। हाँ मैं लेकर आता हूँ। ये क्या हरकत है? तू लड़ी आप मुझसे? सौम्या प्लीज चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत मतलब क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे छूने की? देखो सौम्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस दिन तुमने देखा है ना मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए। अरे सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचे जा रहा हूँ यार, दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रहे तुम। प्लीज सौम्या मेरी बात तो समझो कम से कम। छी शर्म नहीं आती आपको? शादीशुदा होते हुए ऐसी घटिया हरकत करते हुए लगता है मेरी गलती की। हाँ कल से नहीं आऊंगी। सौम्या प्लीज मैं सच में फील करता हूँ तुम्हारे लिए, और ये मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं। देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें पे भी कर सकता हूँ, बस एक बार की बात। शुक्र मानो कि तुम्हारी बीवी को नहीं बताया। लगता है ऐसे नहीं मानेगी, इसकी कुंडली निकलवानी पड़ेगी मुझे।
जो भी अंदर आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है, यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं सौम्या से ना योगा सीखता हूँ, वो मेरी योगा टीचर है। सौम्या घर पर ही है क्या? नहीं वो घर पे तो नहीं है, लेकिन पास ही के मार्केट गई है, आती ही होगी। आप बैठिए। जी थैंक यू। आप उनके पिताजी हैं क्या? मैं ही उसका बदनसीब बाप हूँ, अपनी बेटी पर बोझ बनकर रह गया हूँ। क्या हुआ आपको, कुछ एक्सीडेंट हुआ क्या? 2 साल पहले कोरोना में सौम्या की मां चल बसी, उसकी अचानक मौत के सदमे से मुझे दौरा पड़ गया और उसके बाद मेरे शरीर के नीचे का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया। तब से मैं इसी हालत में हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ले, अपनी बेटी पर बोझ बनकर रह गया हूँ मैं। देखिए अंकल जी, अब ज्यादा सोचिए मत, समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मेरा ना एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ, वो आपके इलाज का ना कोई रास्ता जरूर बता देगा, देखना आप। अच्छा वैसे सौम्या से क्या काम था? दरअसल अंकल जी मैं सौम्या से माफी मांगने आया हूँ। माफी? क्या हुआ ना कि आज वो हमारे घर जब योगा सिखाने आई तो थोड़ा लेट आई, तो मेरा मूड थोड़ा अपसेट था, तो मैंने उन्हें पता नहीं उसको क्या क्या बोल दिया, इनफैक्ट उसको बहुत ज्यादा ही बोल दिया। तो उनके जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत किया उनके साथ, तो बस उसी की माफी मांगने यहाँ उनके घर आ गया। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां तो सबसे हो जाती है। सुबह तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मुझे सब कुछ बता दिया है, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है बेचारा, इसे माफ कर दे बेटा। सौम्या मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैंने बहुत गलत किया, बस उसे की माफी मांगने तुम्हारे यहाँ चला आया। मुझे ऐसी बदसलूकी नहीं करनी चाहिए थी सौम्या, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आज के बाद ऐसे कभी नहीं करूंगा, कसम से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। हाँ बेटा माफ कर दे बेटा, इसे माफ कर दे। ठीक है माफ किया, थैंक यू। पापा ये लीजिए। पापा ये देखिए सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब आपको दोपहर की दवाई भी लेनी है, ध्यान से भूलिएगा मत। अच्छा बेटा। अब कौन आ गया है? कमीन आ जाओ, गेट खुला हुआ है। सौम्या? यस, आप कौन? यही है पेशेंट जिनकी देखभाल करनी है। कैसी देखभाल, मैं कुछ समझी नहीं। आप सौम्या है ना? हाँ। और ये सुभाष जी जो पैरालाइज्ड है? हाँ। और वो तो फिर क्या कंफ्यूजन है, मुझे अपॉइंट किया गया इनकी देखभाल के लिए। बट हमने कोई नर्स अपॉइंट नहीं की है। आप देखिए मैं कुछ नहीं जानती, बट मुझे हॉस्पिटल से ऑर्डर मिला है कि इनकी देखभाल करनी है, और 3 महीने का एडवांस भी मिल गया है, तो आप बता दीजिए कि आपको मेरी सर्विसेज चाहिए या नहीं। और हाँ एडवांस वापस नहीं मिलेगा। आप ये सौम्या सोच क्या रही हो सकता है इसे जय जी ने भेजा हो। देखिए अगर आपको एडवांस मिल गया है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है, आप यहाँ रुक जाइए। ठीक है तो फिर आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखा दीजिए और मेडिसिन और बाकी का सामान का रखा है वो बता दीजिए।
आज के लिए इतना काफी है, बाकी से कल करते हैं। ठीक है। जय जी क्यों नहीं आए? उनका मन नहीं था, हो सकता है आगे भी ना आए, ऐसे ही है वो मूडी। बेबी ये लो अपना जूस। थैंक यू। बाय सौम्या। हाय। आप भी लीजिए ना जूस। थैंक्स। वेलकम। इसके लिए नहीं, कल जो आपने नर्स भेजी थी ना उसके लिए। ओह, मैं तो बस अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ। ठीक है, बट आप योगा पे क्यों नहीं है आज? कल से आना होगा, ओके? वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं कल से जरूर आऊंगा। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ। नीता, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? पेट खराब है, कल जंक फूड खा लिया था शायद उसी की वजह से। तुम एक काम करो, अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। पहले नहीं, अभी मेडिसिन लिया है, अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर चलते हैं। अरे तू सौम्या होगी। अच्छा बाबा, मैं जाता हूँ, तुम रेस्ट करो। और हाँ, पहले पहले तुम ये कॉफी पियो, और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे आवाज लगा लेना। हाँ हाय। हाय सौम्या। सौम्या आज ना नीता की थोड़ी तबीयत खराब है, तो हम योगा छोड़ते हैं आज, ठीक है? क्या ठीक है, उसकी तबीयत खराब है ना, तुम्हारी तो नहीं, तुम करोगे चल। अरे नहीं नहीं बाबा, अगर उसे पता चला ना कि हम दोनों साथ में योगा कर रहे हैं तो भड़क जाएगी मुझ पर, गुस्सा करेगी। तुम जाओ, तुम अभी जानती नहीं उसे। यार तुम इतना डरते क्यों? कुछ नहीं कहेगी, चलो। अच्छा ठीक है, तुम पहले मेरे साथ रूम में चलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। चलो। क्या बात करनी थी आपको? सौम्या, वो चेन्नई में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर ना अंकल जी का अच्छे से इलाज हो सकता है। मैं तो कहता हूँ अंकल जी को वहाँ जल्द से जल्द एडमिट करवा देते हैं। थैंक यू जय जी। एक्चुअली मैंने भी पता किया था उस हॉस्पिटल के बारे में, पर वहाँ के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अरे तुम पैसों के बारे में क्यों सोच रही हो? तुम्हें पता है क्या, मैंने ऑलरेडी अंकल जी की फाइल ना वहाँ भिजवा दी है, और रही बात पैसे की, वो भी भर दिए। तुम टेंशन मत लो, बस एक बार ही वहाँ से रिवर्ट आ जाए तो अंकल जी को वहाँ एडमिट करा देंगे। थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगी। क्या सौम्या, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम ना बहुत मासूम हो, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम किन हालातों से बाहर निकली हो, तुम्हारी सारी मजबूरियों को जानता हूं मैं। तुम ज्यादा सोचो मत, मैं हूं ना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चोट लगी है क्या आपको? नहीं, वो बस ये सब किसने किया?
क्या बताऊं तुम्हें सो में, कल रात को जब नीता पार्टी कर कर घर पर आई ना, तो उसका वो बॉयफ्रेंड भी घर पर आया था। मैंने उन दोनों को घर में आने से मना किया तो नीता गुस्सा हो गई और उन दोनों ने जमकर मेरी बहुत पिटाई की। आप रोइए मत जय जी, प्लीज। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया में बहुत अकेला हूं और खुदकुशी कर लूं। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। सच में? हाँ। नीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी तबीयत खराब है तुम्हारी, क्या हुआ? पानी पीने आई थी। अरे तो मैं हूँ ना, मुझे बोलो जो भी चाहिए तुम्हें। सामने चली गई। अरे वो तो कब की चली गई, तुम चलो अंदर मेरे साथ चलो। ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने बहुत गलत किया। सौम्या, सौम्या कहाँ जा रही हो तुम? मेरी अरे सौम्या, हेलो रेनू, देखना कौन आया है। हाँ मैं देखती हूँ। सौम्या क्यों आए हो तुम यहाँ? सौम्या आज हमारे बीच में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो तुम इतना गिल्टी क्यों फील कर रही हो? देखो मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज सुबह जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सही नहीं था, वो गलत था और आज के बाद कभी भी नहीं होगा। सौम्या ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? प्लीज जय जी ये सब मत बोलिए, आज के बाद मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगी और हाँ मुझे आपका कोई भी एहसान नहीं चाहिए, प्लीज। और आप चले जाइए यहाँ से। सौम्या क्या क्या बोल रही है तू? हाँ कोई एहसान नहीं करता मैं तुझको, और हाँ अब तुम चाहकर भी ना उससे पीछा नहीं छुड़वा सकती, जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तेरी ये वीडियो। ये सब क्या, अब इसे डिलीट कीजिए। नहीं 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 नहीं, अब ये वीडियो डिलीट नहीं होगी, अब जैसा मैं तुझे बोलूंगा तुझे वो करना ही होगा, नहीं तो तेरा ये वीडियो ना मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। एक बार ये इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो गया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी तू, और तेरा वो बुड्ढा बाप जो बाहर पड़ा हुआ है वो तो सदमे में मर जाएगा, है ना? नहीं चाची प्लीज, प्लीज एक बार मेरे पापा के बारे में सोचिए प्लीज। चुप, बिल्कुल चुप। अब तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं तुझे बोलूंगा।
मीता तुम अपनी दवा लो पहले, ये लो, हाथ बढ़ाओ आगे। पानी तो दो। ओ सॉरी, मैं अभी लाया। हाय, हाय सौम्या, क्या हुआ? आज मैं योगा नहीं कर पाऊंगी, आज भी तबीयत खराब है। अब तो ये हर रोज का हो गया है, लग रहा है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नीता तुम ये पानी लो, दवा लो पहले। पानी पकड़ो, मुझे जाना होगा, तुम लोग योगा करो। ठीक तो नीता, चले सब कुछ सच से बता दो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले छुड़ाने से तो निपट लूं। नीता, सच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। देखने में तो पढ़ी लिखी संस्कारी लगती हो, अगर तुम हो नहीं, अमीर लोगों को फंसाती हो पैसों के लिए। जा कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है भाग जाओगी तो बच जाओगी तुम? सबके सामने ना तुम्हारी करतूत बताऊंगी मैं। ऐसा नहीं है नीता, ये झूठ बोल रही है। मेरी लिटरली कोई गलती है ही नहीं नीता, इसने मुझे अपने जाल में फंसाया और फिर मुझे ऊपर से ब्लैकमेल करने लगी। इसने मुझे बोला अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मैं मजबूर था नीता, इतनी सुबह मैंने इसे ना कई लाखों रुपए भी दिए। ये सब झूठ बोल रही है, मुझे माफ कर दो नीता। नीता, नीता, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे लिए अभी दवा लेके आता हूँ, बैठो। पति को ब्लैकमेल करेंगे, इसको मैंने जेल में ना पहुंचा दिया ना, मेरा नाम भी नीता नहीं। सौम्या, सौम्या बात तो सुनो। सौम्या बेटा क्या हुआ? अपने पापा को तो बताओ बेटा, बाहर आ जाओ बेटा। पापा थोड़ी सी थक गए, मैं आराम कर रही हूँ, प्लीज पापा।
पढ़ी लिखी संस्कारी लगती हो, अगर तुम हो नहीं अमीर लोगों को फंसाती हो पैसों के लिए। मैंने इसे ना कई लाखों रुपए भी दिए। सौम्या कहाँ है? क्या बात है? नीता जी, रेनू तुम यहाँ? और ये नर्स? पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? सौम्या कहाँ है? आज उसे पता चलेगा कि लोगों की इज्जत के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। वो तो जब से लौट कर आई है वो अपने कमरे में ही बंद है, परेशान लग रही थी। सौम्या, दरवाजा खोलो। सौम्या विजय, तोड़ दरवाजा। छोड़ो, छोड़ो इसको। मुझे छोड़ो, चलो बात करो। प्लीज आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज। चलो मैं कह रही हूँ छोड़ो, मुझे नहीं जीना है, मुझे प्लीज आप लोग मर जाने दीजिए, प्लीज। हमें तो बताया गया था कि आप इनके पति को ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन ये सब देख के लगता है सच्चाई कुछ और ही है। बताओ क्या बात है? सब ब्लैकमेल मैं नहीं कर रही हूँ, जय ने मुझे ब्लैकमेल किया है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, उस कमीने ने मेरे साथ। उसके हाथ की कठपुतली बन के रह गई। और आज जब नेता ने हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा तो उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। नहीं, ये सच नहीं बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। नहीं, क्योंकि ये अकेली नहीं है जिसके साथ तुम्हारे पति ने ये किया है। उस कमीने ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। रेनू, तुम क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ मैं। सर, पहले तो हमदर्दी जताई मुझसे और फिर पैसे देकर थोड़ी मदद भी करी, लेकिन एक दिन जब मैं इनके घर गई उस दिन नीता जी घर पे नहीं थे। उस दिन मेरे चाय में नींद की गोली मिला दी और उसने मेरे साथ मनमानी की। और फिर बाद में वही वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उससे पीछा छुड़वाने की सर, पर वो माना ही नहीं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उसके घर पे जाके उसका मोबाइल चोरी कर लूँ और फिर उसमें से वीडियो डिलीट कर दूँ। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले ही इनके घर में जाकर चोरी की। और जब मैं मोबाइल चुराने गई तो नीता जग गई। सब किए कराए पानी फिर गया।
और फिर कुछ दिन बाद जय मुझसे मिलने आया और कहा कि अगर मैं यहाँ 3 महीने काम करूँगी एज अ नर्स तो फिर वो मेरी वीडियो डिलीट कर देगा और मुझे कभी परेशान नहीं करेगा और इसलिए मैं यहाँ आ गई। जय इतना नीचे गिर सकता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दो सौम्या, I'm sorry. गलती तो आप दोनों की भी है। जब सबसे पहले जय ने आपके साथ गलत किया था तो आप लोगों को सबसे पहले पुलिस के पास आना चाहिए था। अगर आप लोग पुलिस के पास आते हैं तो ये नौबत नहीं आती। खैर, जय को तो सजा मिलेगी। किस तरह से जय ने अपनी हवस के चलते न सिर्फ सौम्या बल्कि रेनू की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया। अगर उस दिन नीता समय पर पुलिस के साथ वहां नहीं पहुंचती तो शायद आज सौम्या जिंदा नहीं होती। सौम्या लोगों को योगा सिखाती है। अब नीता, रेनू और सौम्या तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.